गुड मॉर्निंग इंडिया, आई हिमांशु गुप्ता वेलकम्स ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू यूनिट फर्स्ट चेंजिंग ट्रेड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। यू विल गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिट वन। यू गाइस विल लिसन केयरफुल एंड कैन राइट नोट्स। वी विल एक्सप्लेन ईच टॉपिक टू यू। Which video you can make notes by watching this video, don't leave the video, you don't need to read any book after watching this video, question will be answered in front of you, you will able to immediately, please watch, don't skip my video। हमारा कंटेंट बहुत ही छोटा होगा और बहुत ही बेनिफिट होगा फॉर एनुअल एंड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। कंटेंट दिस यूनिट एम एंड डिफिनीसन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, खेलो इंडिया प्रोग्राम। फिजिकल एजुकेशन इज नॉट न्यू। फिजिकल एजुकेशन की जो मूल बेस है वो एशियन पीरियड है। वेरियस फॉर्म में इसको यूज किया जाता था। इसकी मीनिंग डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रकार से इसको यूज करते थे। फिजिकल एजुकेशन से मेंटल फिजिकल इमोशनल रिड्यूस होते थे। फिजिकल एजुकेशन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक था। सुकरात, अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिकों का मत था कि युवाओं के लिए शारीरिक शिक्षा बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही एसेंशियल पार्ट है और भारत में यह बहुत ही आवश्यक है या प्राचीन काल से ही इसका हिस्सा है या प्राचीन काल से ही यह चला आ रहा है या विभिन्न सभ्यताओं के दौरान कई बार शारीरिक शिक्षा में बदलाव किए गए, शारीरिक शिक्षा में चेंजमेंट किए गए। रिलेट द फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग, गेम प्ले, फिजिकल कल्चर, हेल्थ एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। डिफिनीशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एससी बक, फिजिकल एजुकेशन इज पार्ट ऑफ जनरल प्रोग्राम। शारीरिक शिक्षा एक सामान्य कार्यक्रम का हिस्सा है। Which is considered with growth, development and education of children through the medium big muscles activity, जिससे बच्चों का विकास, बच्चों की शिक्षा के साथ साथ बड़ी मांसपेशियों की गति का भी माध्यम है। According to Overty Offer, physical education is sum of those experience which come to individual through movements. शारीरिक शिक्षा अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति के विशेष प्रक्रिया से अचीव करता है। According to Cassidy, कैसिड से बना है कैसिडी, physical education is sum of चेंज इंडिविजुअल कॉज बाई एक्सपीरियंस सेंटरिंग मोटर एक्टिविटी। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतर अनुभवों के कारण व्यक्ति के विशेष परिवर्तनों के सम ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू जेवी नेस ने कहा है फिजिकल एजुकेशन फेस ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन, रिलेट द बिग मसल्स एक्टिविटी देयर रिलेट रिस्पॉन्स। अकॉर्डिंग टू जे एफ विलियम ने कहा है शारीरिक शिक्षा मनुष्य के उन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जिनका प्रयत्न और प्रयोग उनके प्रभाव के दृष्टि के अनुसार होता है। फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ द मैन। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन इज होल सब डेवलपमेंट। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। फिजिकल एजुकेशन इज एन अपेक्स पॉइंट, सीम्स टू बी आउट ऑफ रीच। होल सब डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अचीव द स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चीज़ है तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इसको अचीव करना है।
First objective and main importance objective physical development. Foremost objective of physical development. Physical development of our organ system such as respiratory system, circulatory system and nervous system, muscle system and digestive system. Relate the physical activity. Perform the physical activity. Organ system. आप डेली फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, डेली फिजिकल परफॉर्मिंग करेंगे तो फिजिकल फिटनेस विटनेस ग्रोथ इन साइज सेप इफेक्टिव एक्सेट्रा. नेक्स्ट मेंटल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव इज रिलेट टू द मेंटल डेवलपमेंट एंड अ इंडिविजुअल वेरियस फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम. अलर्ट ऑफ माइंड कंसेंट्रेशन ऑफ द माइंड circulated movement required physical activity. Physical activities sharpen the mind. Essential perform various activity is called mental development. Social development. This object is related to social development. First, better adjustment in life. Physical education provide a number of ways develop these qualities. Each every person have leadership qualities. Human relationship or development courses for like this receiving qualities, coordination, manner, fair play, sportsman, tolerance, sympathy is called social development. Also the major objective of physical education various type of emotion pleasure hope jealousy hate fear distress along wonder lust means desire loneliness means alone etc. Emotion it's became abnormal and uncontrollable. Next neuromuscular coordination. Object is concerned with better relationship between nervous system and muscular system. Physical activity provide ample opportunities for better neuromuscular coordination. Means we can use our energy in proper way. We have good neuromuscular coordination. Accurate and smooth functioning of our body is called neuromuscular coordination. Is last objective of development of health. Development of health is also objective of physical education. Preventive of communicable disease. There are two type of disease, communicable and non-communicable. There are various hope, reduce anxiety, stress, tension, and large extent individual experience healthy living is called the development of health. Career option. मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करियर के दो विकल्प हैं. पहला करियर शारीरिक शिक्षा के शिक्षण और कोचिंग से रिलेट होता है. देयर आर कॉल्ड ट्रेडिशनल करियर दी सेकेंड टाइप ऑफ करियर शारीरिक शिक्षा में ग्रोथ करियर अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित करियर प्रशासन संबंधित करियर खेल प्रदर्शन संबंधित करियर प्रेस मीडिया से संबंधित करियर एक्सेट्रा. कोचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन professional field appropriate only for those interested in teaching career such as engage in elementary school medium school and high school prathamik vidyalay madhyamik shiksha vidyalay aur uch shiksha vidyalay senior secondary school college and universities. टीचिंग करियर में मुख्य रूप से यह बताया गया है शारीरिक शिक्षा को परंपरागत रूप से प्रोफेशनल फील्ड प्रयुक्त माना जाता है. शिक्षण करियर के लिए कई पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं. शिक्षण चाहे वह प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षा में लगे हों सीनियर सेकेंडरी यूनिवर्सिटीज या करियर के कई लाभ आमतौर पर
शिक्षण या शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में गहरा सम्मान है छात्रों को, क्योंकि समाज के लिए एक अच्छा योगदान देता है। मीडियम स्कूल फिजिकल एजुकेशन टीचर मीडियम स्कूल आर एम्पल बट ओनली इन स्कूल इन बिग सिटीज सेपरेट सिलेबस सेवेंथ एट्थ क्लासेस गवर्नमेंट मीडियम स्कूल रेयर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर। हाई स्कूल अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब इन फील्ड ऑफ द फिजिकल एजुकेशन इज गवर्नमेंट प्राइवेट पब्लिक स्कूल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिजिकल एजुकेशन इज ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज मैनी जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटी टीच फिजिकल एजुकेशन कॉलेज फिजिकल एजुकेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन कॉलेज वेरियस सर्टिफिकेट BPED, MPED, YPED, PhD, MPhil। मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटीज नेट इन फिजिकल एजुकेशन टीचिंग फिजिकल एजुकेशन इन कॉलेज। कोचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन कैरियर इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन मैनी फिजिकल एजुकेटर प्रिफर टू OPT फॉर कोचिंग एज अ कैरियर। OPT ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर कोचिंग एज इन अ फील्ड ऑफ टीचिंग। अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब आर अवेलेबल टू कोच इन मीडियम स्कूल हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जॉब अपॉर्चुनिटीज आर आल्सो अवेलेबल इन स्टेट स्पोर्ट डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन नॉन स्कूल सेटिंग। कोचिंग अपॉर्चुनिटीज इज आल्सो अवेलेबल विद प्रोफेशनल टीम कॉमर्शियल एंड स्पोर्ट्स क्लब हॉस्टल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। हेल्थ रिलेटेड कैरियर नाउअडेज पीपल हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस दे वॉन्ट healthy and fit they keep away from the various diseases like this diabetes obesity hypertension blood pressure etc. health related career opportunities in field of the physical education have extended and recent year very fast and significant area under of health related health weight control club and this joint club based on the individual desire to be physically fit and slim the figure। health related career में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि आजकल के लोग स्वस्थ हो गए हैं। performance related career as a player large number of sport person participated in various game and sports participate in various level such as inter school college level district level state level national level international and olympic many sport scholarship for good sports person are available in india in various level many job are also available for skill sport person in government and private sector as defense service bank companies or industrial commercial railway etc. as a official smooth conducted sports tournament competition depend on good official as already been discussed away the professional players remain the short duration are various official in tournaments such as referee umpire timekeeper record keeper etc. their requirement depend on the number of tournament held every year। sports journalism mein mukh roop se yah bataya gaya hai sports journalism means khel patrakarita sharirik shiksha mein jiske paas khel likhne ki pratibha खेल पत्रकार के रूप में अपना करियर चुन सकते हैं। खेल पत्रकार को समाचार पत्रों के साथ खेल में काम करने के लिए अवसर मिल सकते हैं। खेल के बारे में या खेल के बारे में विभिन्न विषयों के कार्यक्रम होते हैं। द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मे बी गेट अपॉर्चुनिटीज अ गुड वर्क न्यूज़पेपर मैगजीन।
बुक राइटिंग में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तक लेखन में कैरियर व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। भारत में इन लेखकों का विशेष स्थान है। शॉर्टेज ऑफ बुक ऑन द फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स एलिड ए सब्जेक्ट इन इंडिया। फिजिकल एजुकेटर हु हैव डीप नॉलेज एंड वेरियस सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन सच एज बायोमैकेनिक्स, बायो स्पोर्ट्स, सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, रिसर्च मेथड, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स पेडोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड वेरियस स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि यह कैरियर केवल उन शारीरिक शिक्षकों के लिए है जो इस पर गहरी रुचि रखते हों, जो इस पर इंटरेस्टेड हों। इट्स मीन इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी आ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कम्युनिकेशन टू पीपुल टू मीनिंग स्पोर्ट्स थ्रू फोटोग्राफी। स्पोर्ट रिलेटेड कप एंड ट्रॉफी इम्पॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एंड होम एंजॉयमेंट। एथलेटिक्स नेशनल एथलीट कम चैम्पियनशिप, वर्ल्ड एथलीट, इंटर स्टेट, एशियन गेम, ओलंपिक गेम्स, नेशनल गेम्स एंड स्टेट, इंटर यूनिवर्सिटी, यूरोपियन कप, जेसी ओवंस कप। एथलेटिक रिलेटेड कप एंड कॉपी यूरोपियन कप, जेसी ओवंस ट्रॉफी, चार मीनार ट्रॉफी, मार्शल टीटो ट्रॉफी, कॉन्टीनेंटल कप। बास्केटबॉल रिलेटेड कप एंड ट्रॉफी यूरोपियन कप, अमेरिकन कप, एशिया कप, सर्विसेज ट्रॉफी, फेडरेशन कप, बेंगलोर ब्लू कप, सी मुन्नीस्वामी कप, सो ऑन। बैडमिंटन रिलेटेड कप थॉमस कप, स्टार्टेड 1948 आफ्टर 3 ईयर्स। उबेर कप स्टार्टेड 1956 एवरी 3 ईयर्स। वर्ल्ड कप स्टार्टेड 1981। एशियन गेम स्टार्टेड 1962। क्रिकेट रिलेटेड कप एंड ट्रॉफी रिमेंबर इट। फुटबॉल रिलेटेड कप फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन एस्टेब्लिश 1904। डूरेंट कप स्टार्टेड 1888। DCM फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्टेड 1945। फेडरेशन कप स्टार्टेड 1977। सुब्रतो कप, राजीव गांधी गोल्ड कप एंड सो ऑन। स्विमिंग रिलेटेड चैम्पियनशिप टेनिस रिलेटेड कप एंड ट्रॉफी इम्पॉर्टेंट इन मार्क्ड राउंड सर्किल। वॉलीबॉल कप एंड रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन मार्क्ड लाइन। खेलो इंडिया प्रोग्राम में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि स्वास्थ्य जीवन शरीर व मस्तिष्क के लिए खेल आवश्यक होते हैं। खेल व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति खेलों तथा फिटनेस में महत्व को जानता है। खेल खिलाड़ियों के मध्य खेल भावना व टीम भावना का प्रतीक है। खेल जीवन नेतृत्व गुणों और नैतिक को विकास करने में सहायक है। खेल में बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास होता है। या अन्य शब्दों में कहा गया है, खेल एक सर्वांगीण विकास में सहायक है। इम्प्रूव द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल इन हेल्पफुल। खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड 2017-18 मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स HUAYU अबव ऑब्जेक्टिव द खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज इंक्लूडेड द फॉलोइंग कंपोनेंट।
प्ले फील्ड डेवलपमेंट, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, फिजिकल फिटनेस, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, प्रमोट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, प्रमोट फॉर रूरल पर्सन। नेक्स्ट, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, इट इन्वॉल्व इन स्किल डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग। प्ले फील्ड डेवलपमेंट, अंडर द प्रोग्राम ऑफ खेलो इंडिया मैनी प्ले फील्ड विल बी डेवलपमेंट एट वेरियस स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल, बेसिक फैसिलिटीज मे बी प्रोवाइडेड टू स्पोर्ट्स पर्सन। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, इट इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिलेशन टू स्टेट। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, एम इन टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वेरियस स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पेशली हेयर वुमेन पार्टिसिपेशन इज लेस। टैलेंट सर्च डेवलपमेंट, एडिशन ऑफ सेलेक्टिंग टू ऑफ प्राइज विनर फॉर द स्कीम, अ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी विल स्पॉट एंड आइडेंटिफाई द टैलेंट विद द हेल्प बेस्ट साइंटिफिक मैथड। Answer search in previous page as it is write down. People who are new to this channel, please like and subscribe. Stay healthy and safe. Jai Hind.